24 अप्रैल रविवार को जम्मू के जिला सांबा के पल्ली क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो रैली हुई है, उस रैली में जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने से एक जन समुंदर, एक जन सैलाब उमड़ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में आया, मैं उसके लिए सभी जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विशेषकर जो हमारे जम्मू संभाग के हमारे साथी सहयोगी हैं, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, जिन्होंने बढ़ चढ़कर सांबा के पल्ली में हुई माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में भाग लिया, शिरकत की, मैं हृदय से सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महारैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये दिखा दिया कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुट होकर खड़ा है, पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ खड़ा है। वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, शहर का है या गांव का है, पहाड़ का है या मैदान का है, जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीर घाटी के रहने वाले हमारे कश्मीरी भाई हैं, पहाड़ी कबीले के लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं, या फिर विस्थापित जो पीओजे के 1947, 65 और 71 के विस्थापित रिफ्यूजी हो, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी हो, दलित समाज से, वंचित समाज से संबंध रखने वाले हमारे भाई बहन हो, ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हो, वाल्मीकि समाज के लोग हैं या हमारी माताएं बहनें हैं, गोरखा समाज के लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, जिस प्रकार हर वर्ग के व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की रैली में बढ़ चढ़कर और पूरे जोश, जुनून और जज्बे से भाग लिया, मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं सबका कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की ऐतिहासिक रैली का सभी लोग एक बड़ी खूबसूरती के साथ, जोश और जज्बे के साथ उस रैली का हिस्सा बने। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 20,000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्टों का जो नींव पत्थर रखा है और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इस्टेट्स डेवलप करने के विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है, और विशेषकर जो जम्मू तथा कश्मीर के नौजवान, युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन, इनको संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि हमारे जो पूर्वजों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले मुसीबतें झेली, वो अब हमारे नौजवानों को उन मुसीबतों से निजात मिलेगी और डेवलपमेंट हो या व्यक्तिगत संपर्क हो केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, जम्मू कश्मीर में और बढ़ेगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो दिलों की दूरियां हो या विकास के संबंध में, डेवलपमेंट के संबंध में पुरानी सरकारों ने दूरियां रखी हो, मोदी सरकार उन दूरियों को खत्म करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति के सहयोग से, सबकी मदद से, सबके कोऑपरेशन से एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर का निर्माण हम यहां करेंगे।
मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जो मोदी साहब ने जम्मू के पल्ली की इस महारैली में जम्मू कश्मीर के लोगों की हौसला अफजाई की। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत आदर मान और सम्मान करते हैं। मोदी साहब के दिल में जम्मू कश्मीर की जनता बसती है और जम्मू कश्मीर के बच्चे के हर परिवार के बच्चे बच्चे के दिल में, हर नौजवान के दिल में, हर बुजुर्ग के दिल में, हर व्यक्ति व्यक्ति के दिल में जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब के प्रति जो मान सम्मान है वो कल की रैली में हमने देखा कि जिस प्रकार एक जन समुंदर उमड़ के आया। तो मैं ये कह सकता हूं कल की रैली को देखते हुए कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब बसते हैं और हमें इस बात की खुशी है कि मोदी साहब लगातार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के कामों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार कल यहां बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पन बिजली परियोजनाओं की नींव पत्थर रखा गया, रेटले प्रोजेक्ट हो किश्तवाड़ में, टवाड़ हो, इसके अलावा 108 से ऊपर जन औषधियालय है और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स